नमस्कार दर्शकों, बंधन समाचार में आप सभी का स्वागत है और मैं हूं आपके साथ ऋचा वर्मा। तो आइए अब हम बात करते हैं जिला बिजनौर की, जहां से हमारे संवाददाता तुषार वर्मा से मिली जानकारी के अनुसार उत्तर प्रदेश महिला शिक्षक संघ के नेतृत्व में पुरानी पेंशन बहाली की मांग को लेकर बिजनौर शहर में शांतिपूर्ण पद यात्रा निकाली गई। राज्य कर्मचारी संयुक्त परिषद के आह्वान पर उत्तर प्रदेश महिला शिक्षक संघ द्वारा शांतिपूर्ण पद यात्रा के दौरान रामलला ग्राउंड पर सभी शिक्षक शिक्षिकाएं एकत्रित हुए, जहां महात्मा गांधी पार्क पर गांधी जी की प्रतिमा पर माल्यार्पण किया गया। उसके बाद पुरानी पेंशन बहाली के संबंध में शांतिपूर्ण पदयात्रा रामलला ग्राउंड से कलेक्ट्रेट पहुंची, जहां महिला शिक्षक संघ द्वारा मुख्यमंत्री के नाम संबोधित ज्ञापन जिला प्रशासन को सौंपा गया। जिला अध्यक्ष रुचिता सिंह ने बताया कि प्रदेश अध्यक्ष सुलोचना मौर्य द्वारा पूरे प्रदेश में एक साथ यह शांतिपूर्ण पदयात्रा का आयोजन किया गया है। उत्तर प्रदेश महिला शिक्षक संघ समस्त कर्मचारियों शिक्षकों से हस्ताक्षर अभियान में शामिल होने का अनुरोध कर एक जन समर्थन ले रहा है। तरफ से उत्तर प्रदेश महिला शिक्षक संघ के नेतृत्व में आज हमने पुरानी पेंशन बहाली के संबंध में ये पद यात्रा निकाली है। शांतिपूर्वक हम लोग रामलला ग्राउंड से गांधी जी का माल्यार्पण करने के उपरांत पैदल यात्रा करते हुए कलेक्ट्रेट तक पहुंचे हैं और हम माननीय मुख्यमंत्री जी से अनुरोध करना चाहते हैं कि हमें पुरानी पेंशन बहाली के लिए आप आदेश करें, जिससे कि हम लोग सारे कर्मचारी, सारे शिक्षक साथी, सारी शिक्षिकाएं जो आज सप्ताह के वक्त भी बहुत अच्छी संख्या में उपस्थित हुई हैं, उन सबका साधुवाद करते हुए मैं मुख्यमंत्री साहब से कहना चाहती हूँ कि माताओं बहनों के साथ ही जो साथी हमारे साथ यहाँ पर जुड़े हुए हैं, उनकी भी यही अपील है कि पुरानी पेंशन बहाल होनी चाहिए, एनपीएस हमें नहीं चाहिए। तो इसी संबंध में हमने यहाँ पर जिलाधिकारी महोदय को एक ज्ञापन सौंपा है और हम चाहते हैं कि हमारे तहसीलदार साहब हमारी बात जिलाधिकारी महोदय तक पहुंचाएं और पुरानी पेंशन बहाली में, क्योंकि सब भी शायद पुरानी पेंशन नहीं पा रहे हैं, तो इसी संबंध में चाहती हूँ कि ये भी हमारी इस मुहिम में जुड़े और सभी साथियों को मैं साधुवाद करते हुए एक बार फिर कहना चाहती हूँ कि ओपीएस ही हमारे लिए अच्छा रास्ता है। समाज की हम लोग बहुत सेवा करते हैं, नेतृत्व की भावना हमने बहुत अच्छे से है और आप ये मानिए कि पूरे प्रदेश के विकास में हमने अपना पूरा जीवन यापन लगा दिया। और इसी के साथ जुड़ा है बंधन समाचार के साथ।